तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस समय ओडीआई फॉर्मेट का मुकाबला चल रहा है, लेकिन आपको पता ही होगा कि 7 जून से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी होना है। और इसी को लेकर के एक बड़ी अपडेट आई है केएल राहुल को लेकर के, एज वेल एज सूर्य कुमार यादव को लेकर के। क्या अपडेट है मैं आपको बता दूं, इससे पहले आपको याद ही होगा कि कल केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी की, 75 रन बनाए, नाबाद मैच उन्होंने जिताया। लेकिन उससे पहले जो 2 टेस्ट मैचेस हुए थे, जहां पर कि इंदौर में, इसके बाद अहमदाबाद में, केएल राहुल को मौका नहीं मिला था खेलने के लिए और प्लेइंग 11 में नहीं थे, केएस भरत विकेट कीपिंग कर रहे थे। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो यही है जो स्पोर्ट्स टॉक ने आपको पहले भी बताया था कि इट माइट बी पॉसिबल कि केएल राहुल डब्ल्यूटीसी में आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। और खबर ये आ रही है सोर्सेस से कि चयनकर्ता जो है वो ऑलरेडी मन बना चुके हैं कि केएस भरत की जगह पर केएल राहुल के विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर खेल सकते हैं, लेकिन उससे पहले इवैल्यूएट किया जाएगा कि क्या जो हिस्ट्री है केएल राहुल का, यू नो इंजरी का, बहुत ज्यादा वो इंजर्ड होते रहते हैं, क्या वो कोप अप कर पाएंगे, क्या वो पूरे आईपीएल खेलने के बाद में भारत के लिए एक मैच में क्या विकेट कीपिंग कर पाते हैं। पूरे 6 दिन का जो टेस्ट मैच होगा, हालांकि 5 दिन का होता है, एक एक्स्ट्रा डे है आपको वहां पर, लेकिन क्या वन ऑफ टेस्ट मैच में केएल राहुल विकेट कीपिंग कर पाएंगे, वो उनके फिटनेस को लेकर के अभी थोड़ा सा इवैल्यूएट जरूर किया जाएगा। लेकिन चयनकर्ताओं का मानना है कि केएल राहुल शुड विकेट, यू नो शुड कीप द विकेट डिपार्टमेंट, और विकेट कीपिंग अगर करते हुए नजर आएंगे तो फिर हमारे जो बैलेंस है वो बनते हुए नजर आएगा। दूसरी बात सूर्य कुमार यादव को लेकर के आई है कि सूर्य कुमार यादव को श्रेयस अय्यर की जगह पर डब्ल्यूटीसी के फाइनल में खिलाने का मन ऑलरेडी चयनकर्ता बना चुके हैं, यानी कि खिलाएंगे तो मैनेजमेंट वाले ही जो आपके कोच और कप्तान हैं, लेकिन सूर्य कुमार यादव को भी टीम के साथ में 110% भेजा जाएगा टेस्ट मैच में। और कहा जा रहा है कि मिडिल ऑर्डर में वो इनफोर्स का काम कर सकते हैं, वो इंग्लैंड के कंडीशन में जाकर के रन बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वाकई में ये दोनों चीजों पर हमने डिटेल्ड में चर्चा की है, पहले भी हमने कई दफा इसके बारे में चर्चा की है कि इन दोनों प्लेयर्स को जरूर आप प्लेइंग 11 में शामिल कर सकते हैं। और इस खबर पर बहुत जल्दी ऐसा लग रहा है कि मुहर लगने जा रही है, तो आप बने रहिए स्पोर्ट्स टॉक के साथ में, हर छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगी। और अभी से भारतीय टीम ने कहीं ना कहीं प्रिपरेशन चालू कर दी है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को देखते हुए। मुझे लगता है कि इस बार जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा, ऑस्ट्रेलिया की टीम भी दमदार है, लेकिन इस बार जीतेंगे हम ही। लेकिन बने रहिए आप स्पोर्ट्स टॉक के साथ में, और हर एक छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन जैसे मैंने आपको कहा कि यही देखने को आपको मिलेगी।